नेतृत्व विहीन, दिशाहीन और मुद्दा विहीन कांग्रेस जयराम सरकार के 2.5 वर्ष के ईमानदार व प्रगतिशील सुशासन से बेचैन उठी है। ये शब्द भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने आज धर्मशाला में आयोजित कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की विस्तार योजना बैठक के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। कपूर ने कहा कि ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाली कांग्रेस मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन विषयों को छेड़कर स्वयं अपना मजाक बना रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा जयराम सरकार पर निगम व बोर्डों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैनों की नियुक्तियों पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश यूपी व बिहार की तरह बड़ा प्रदेश नहीं है बल्कि एक छोटा राज्य है। यहाँ के लोग ऑर्गेनिक वायुमंडल में जीते हैं जिसके कारण हर छोटी बड़ी घटना को आसानी से भूलते नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि जब वीरभद्र शासन काल में संवैधानिक रूप से 9 मुख्य संसदीय सचिव और 55 से भी ज्यादा निगम वार्डों के चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को एक विशाल रेजिमेंट स्थापित थी तब आर्थिक बोझ कांग्रेस को क्यों नजर नहीं आया। यहां तक कि मुख्य संसदीय सचिव को लेकर न्यायालय तक को दखल देना पड़ा लेकिन जयराम सरकार ने जब कांग्रेस से आधी संख्या में नियुक्तियां कर दी तो फिर हाय तोबा क्यों। भाजपा नेता ने कहा कि वह दिन दूर नहीं होगा कि जिस तरह कांग्रेस देश की वास्तविकता से भटक गई है समय आएगा कि कांग्रेस मात्र जीजा साला और माँ बेटी की एक ही गांधी परिवार की पार्टी बनकर सीमित होकर रह जाएगी। आज विशेष रूप से धर्मशाला में हमारा आने का जो मुख्य मकसद था वो आने वाले समय में मैंने तो हर जगह ये बात रखी है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। जिस तरह देश के हमारे भाजपा शासित अन्य राज्य चाहे वो गुजरात है चाहे वो छत्तीसगढ़ है चाहे वो मध्य प्रदेश है जिन्होंने जनता की सेवा में 15 वर्ष से ज़्यादा समय पूरा किया है और ये हिमाचल प्रदेश चौथा ऐसा राज्य होगा जो पूर्ण बहुमत के साथ अपने 15 वर्ष जन सेवा के रूप में पूरा करेगा और इस दिशा में हिमाचल प्रदेश का संगठन काम भी कर रहा है। जी ई विस्तारक योजना में हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता 17 ऐसे हलके हैं इस कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में जहां पर वो एक एक महीने के लिए लोगों के बीच कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और वहां पर बूथ स्तर पर जो हमारे त्रिदेव है चाहे वो हमारे पन्ना प्रमुख है चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष है चाहे हमारे वो VLA है जहां लगता है कि वो कार्यकर्ता आगे काम करने में असहज है या किसी कारण से निष्क्रिय है उसको द्वारा से ई डिजिटल के माध्यम से मौके पर तस्वीर खींचकर उसके सारे जितने भी तथ्य हैं उनकी जितनी भी जानकारी है उसको अपलोड करके एक मजबूत योजना के रूप में संगठन काम कर रहा है। त्रिलोक जी अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाजपा इस कोरोना के समय में लगातार इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है जिससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। अगर किसी भी प्रकार की रैली की बात की जाए या वर्चुअल रैली की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं भीड़ तो एकत्रित हो ही गई है। तो ऐसा है इससे पहले तो जहां तक सवाल रैलियों का है हमारा सारा संगठन कार्यक्रम वर्चुअल से चला हुआ है और जो हम पर रोप लगा रहे हैं मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब आप जन्मदिन में बनाकर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे तब कोरोना कहाँ वहाँ से भाग गया था या जब आप उस कोरोना युग में धर्मशाला शिमला के DC ऑफिस में साम्यवादी के जो दूसरी पार्टी उनके साथ मिलकर धरने पे बैठे तब क्या कोरोना आपने भगा दिया था। आरोप लगाना आसान है। धर्मशाला से सन्नी महाजन की रिपोर्ट।